हेलो, जिसके अंडर गार्मेंट्स बैलकनी में है, 50,000 रुपए की पड़ेगी। जिन लोगों के अंडर गार्मेंट्स बैलकनी में है, 50,000 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। हाँ भाई यादव, आपसे निवेदन है अंडर गार्मेंट्स। हाँ जी, ये इसमें रहते हो आप? जी जी, किया है। आपके पास एक नोटिस आया था कि अंडर गार्मेंट्स बैल्कनी में नहीं टांगने। जी जी जी, अंडर गार्मेंट्स भाई, हेलो, इसके फ्लैट का नंबर लिखवाइए। भाई जब आपको मना कर रखा है कि अंडर गार्मेंट्स नहीं टांगने, पूरी ये सोसाइटी ने एक रूल बना रखा है, तो क्यों टांगा भाई? हाँ भाई, उसको ये वर्मा जी के दो अंडर गार्मेंट्स दिखे, 1,00,000 का बिल बना उनका। मेरे को गारमेंट्स नहीं है, मेरे अंडर गारमेंट्स नहीं पड़े हुए भाई। तेरे अंडर गारमेंट्स नहीं है ये? नहीं नहीं, मेरे नहीं है। एक सेकंड, ये 202 सेकंड फ्लोर किसकी बैल्कनी है? ये मेरी है। ये अंडर गारमेंट्स किसके हैं? कच्चे टंग रहे हैं क्या सर? और क्या टंग रहा भाई यहाँ पे? नहीं नहीं, तो मेरे कच्चे नहीं है जी ये। भाई किसके हैं ये? वर्मा जी कहूंगा, वर्मा जी। एक सेकंड रोक, एक सेकंड रोक। हाँ भाई, अलाउंसमेंट वाले जरा वर्मा जी को बुला, उधर को बात करा इनसे। वर्मा जी का अनाउंसमेंट, वर्मा जी से आ रहे हैं, इनसे बात करें, इनके कच्चे हैं ये। हाँ वर्मा जी को बुलाओ। हेलो जनाब, हेलो जनाब। हाँ बोलो भाई। जनाब मेरी बात सुनो, ये कच्चे किस रंग के बताइए भाई? ये दो कच्चे हैं, सफेद और नीली धारी है। जनाब ये गुप्ता जी के होंगे या सैगल साहब के होंगे? सैगल साहब के। एक सेकंड रुक गया, सैगल साहब खड़े हैं क्या वहाँ पे? जनाब कच्चे मेरे नहीं है, किसी की भी हो सकते हैं। तो फिर ये भाई तेरी बैल्कनी में जो कच्चे हैं, जो सोसाइटी ने आ सकते हैं ना, किसी कच्चे आगे हो, मेरे कच्चे नहीं, मेरा कच्चे नहीं, मैं कच्चे नहीं पहनता हूँ भाई। कच्चे नहीं पहनता भाई, इसका फोटो लो और जरा देखो किसके कच्चे बन रहे हैं। ये 202 के किसका भी कच्चा है? 202 का 50,000 का बिल बना भाई। हाँ जनाब, हेलो जनाब। हाँ बोल भाई। ये बताइए कच्चे लेडीज है या जेंट्स है? कच्चा जेंट्स है। जनाब मैं तो कच्चा पहनता ही नहीं। कच्चा क्यों नहीं पहनता भाई? पहनते नहीं, मुझे खुजली होती है, मेरे मतलब मोटी टांगे तो उसमें खुजली होती है। तो 50,000 रुपए पर कच्चे के हिसाब से यहाँ पे रूल आ गया है, पूरे नोएडा का ही रूल है, तेरा क्या है? जनाब मैं कच्चे पहनते नहीं, मैं कच्चे नहीं पहनता यार। मैं कैसे मान लूं तेरे कच्चे नहीं है भाई? आप मेरी मिसेज से पूछ लीजिएगा, एक बार मैंने मोटा कच्चा पहन लिया था, हम खुजली हो गई थी, बहुत खुजली हुई, फुंसी निकल गई। जिनकी सोसाइटी में अंडर गार्मेंट्स दिख रहे हैं उनको 50,000 की पेनल्टी है। लगा भाई 202 पे 50,000 का लगा। हेलो जनाब। हाँ बोल भाई। मेरे छोटे छोटे मेरे कच्चे हैं, सॉरी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जनाब। आप ये काम कर रहा हूँ, मेरा कच्चे नहीं, कोई मुझसे ये बात ठीक नहीं है। बैल्कनी में कच्चे टांगना, जब तक तेरे को पेनल्टी नहीं लगेगी, बच्चे कैसे सीखेंगे? लगा भाई 50,000 का लगा। मेरी बात, कच्चे कैसे रंग के हैं? वो कच्चा है, सफेद रंग का कच्चा है, नीली धारी है। मेरी समझ में आ गया किसका कच्चा है। किसका कच्चा है ये? ये सामने गिरी साहब रहते हैं, ये उनका कच्चा है। भाई ऐसे दूसरे पे इल्जाम क्यों लगा रहा है? उसका घर सामने है तेरे गिरी साहब के, उड़ के भी नहीं आ सकता, कैसे है? समझो यार, बहुत कमीन आदमी है ये, इतना कमीन आदमी कि अपना कच्चा पहनता है, दूसरे की बालकनी को सुखाता है। अच्छा ये गिरी का कच्चा है? भाई तूने कभी गिरी के भाई से बात करी है? मैंने गिरी के भाई से बात करी। मैं रुक जा, गिरी के भाई से बुला रहा हूँ। देख अगर सुन, हाँ सुन, तू फंस गया तो तेरे को देने पड़ेंगे 50,000, वरना गिरी देगा। गिरी के भाई से बात, उसको गिरी का भाई आ रहा है। हेलो हेलो, ये आप क्यों झूठ बोल रहे हो? गिरी भैया का छोटा भाई बोल रहा हूँ, ये कच्चे आपके तो है। तुम्हारा भाई ऐसे ही करता है, कच्चे कोई और फैलाता, उन्होंने पहले भी ऐसे किया। आप कच्चा, आप गिरी का, मैं तो ऐसे कच्चा पहनते नहीं हूँ, मुझे कच्चों का मुझे पता है भैया कच्चा। तो आप जो कह रहे हो बताना, कोई गिरी भैया की कच्चे की पहचान जो इतने तोड़ी में आ रहे हो? सफेद और नीली धारी गिरी का कच्चा, वो गिरी का पक्का, उसकी पहचान पहले भी पकड़ा गया। सफेद और नीली धारी का कच्चा पहनते नहीं गिरी भैया सर, और मैं आपको सच बोल रहा हूँ। और आप 50,000 मुझे फंसवा रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही? आप मुझे फंसवा रहे हो? नहीं तो आप भी तो हमको फंसवा रहे हो ना। आप दूसरे घर पर कच्चे फलो, नीले पीले हरे नीले आप कच्चे पहनते हो, अजीब 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 रंग के कच्चे पहनते हो, और आप दूसरे बालकनी में फैलाते हो, आपको शर्म नहीं आती? मुझे फोन करे बार बार, मैं पहले से ही पहनते हैं, नीले पीले कच्चे पहनते ऐसे घूमते हैं अपने लॉन में, ऐसे घूमते रहते हैं, घर की लेडीज देखती है कैसे कच्चे पहन रहे हैं, उनके सब पूरी पूरी सोसाइटी ने उनके कच्चे देखे हैं। आप करो कैसे कच्चे नहीं देखे? कच्चा भाई तेरा है, क्यों झूठ बोल रहा है? जनाब कच्चा मेरा नहीं, जनाब मैं पहनते नहीं कच्चा। क्यों नहीं पहनता? खुजली जनाब बताया तो, मेरे खुजली होती, मोटी टांगे वो सब वो फल जाते हैं, वो जंगल से होते हैं, उनमें खुजली होने लगती बहुत ज्यादा, मुझे भी रीच गार्ड वगैरह खरीदना पड़ता है। जनाब मैं पहनते नहीं कच्चा कभी। मतलब तू बिना कच्चे के जा रहा है जहाँ भी जा रहा है? जी जनाब, मैं कच्चा नहीं पहनता हूँ। कच्चा तुम्हारा है लेकिन रेड नहीं पड़ी है। ये तो मेरे को किसी ने बताया था कि आप बाज नहीं आ रहे और उस सोसाइटी में कच्चे टांगते हो, और आपके पड़ोसी बड़े परेशान है। आपके एक पड़ोसी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बेकार में उनका कच्चा बच्चा बनाओगे आप। उन्होंने आपका नंबर दिया था, ये कहा था इसका मुर्गा बना दो। रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, यादव जी नवेद। लेकिन एक बात बताओ भाई, कच्चा वाकई में नहीं पहनते क्या? मतलब समझो बात को, ऐसा नहीं है, मेरे पास एक कच्चा है, तो कभी मैं जब पहनता हूँ शादी वगैरह में जाना हो तब तब पहनता हूँ उसको।